नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आज नीति आयोग की बैठक हो रही है और नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। उसमें ममता जी हैं, उसमें तमिलनाडु के स्टालिन हैं, उसमें तेलंगाना के राव साहब हैं, उसमें हमारे बिहार के स्वनामधन्य नीतीश बाबू हैं। मुझे ऐसा बताया गया है कि गहलोत साहब शायद स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ रहे हैं। अब क्या सच्चाई है तो उनकी तरफ से बताया जाएगा, लेकिन उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। और कांग्रेस के बाकी मुख्यमंत्री कितने आते हैं वहां देखा जाएगा। नीति आयोग देश के विकास, देश की योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यह नीति आयोग की 8वीं मीटिंग है। बैठक का विषय विकसित भारत 2047, रोल ऑफ टीम इंडिया है। हालांकि ये बैठक भी राजनीति की भेंट चढ़ गई और कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं। नीति आयोग भी देश के शासन के नीति निर्देशक तत्वों के निर्धारण के लिए एक ही बहुत बड़ी संस्था है। नीति आयोग इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर डिटर्मिनिंग द इंटायर ऑब्जेक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड द रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर कंट्री। इसीलिए गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री प्रेसाइड करते हैं, बाकी वरिष्ठ मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री आते हैं, ताकि मुख्यमंत्री की सलाह, केंद्र की चर्चा, ये संवाद से निर्णय ठीक हो और जमीन पर लागू किया जाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8वीं गवर्निंग काउंसिल के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। 100 इश्यूज आर प्रपोज टू बी डिबेटेड इन द 8th गवर्निंग काउंसिल। अब आप इतनी संख्या में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो यहां जो निर्णय लिए जाएंगे तो अपने प्रदेश की जनता की आवाज आप नहीं ला रहे हैं, तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? यह निर्णय तो बंगाल के लिए भी होगा, यह निर्णय तमिलनाडु के लिए भी होगा, यह निर्णय बिहार के लिए भी होगा, यह निर्णय दिल्ली और पंजाब के लिए भी होगा, आदि आदि। तो इसका मतलब क्या है? ये बात पार्टी की ओर से हम बहुत गंभीरता से उठाना चाहते हैं कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।